जिम के भारी भारी डंबल्स के बजाय अगर ये फोन जिसका इस्तेमाल हम पूरा दिन करते हैं ये अगर आपका वजन घटाए तो कैसा रहेगा। आज की अपनी इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे एक्सरसाइजेस बताने वाली हूँ जो कि आप अपना फोन चलाते चलाते कर सकते हैं। आपके पास जो ये एक्सक्यूज होता है ना कि हमारे पास वर्कआउट का टाइम नहीं है, आप मानो या मत मानो उसका एक बहुत बड़ा कारण आपका फोन भी है, क्योंकि हम लोगों को आजकल फोन चलाने की इतनी ज्यादा आदत हो गई है, या यूं कह लीजिए कि आजकल हमारी मतलब बेसिक जरूरत बन गया है फोन। बहुत सारे काम हमारे ऐसे हैं जो कि हमारे फोन से ही होते हैं। तो आज जो मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगी ये ऐसी एक्सरसाइजेज हैं जो आप आराम से बिस्तर पे लेटे लेटे फोन चलाते चलाते कर सकते हैं। इस एक्सरसाइज को करते करते आपको ब्रीदिंग का भी ध्यान रखना है। मैं आपके सामने ही आपके साथ साथ भी एक्सरसाइज करूंगी। ऑब्वियसली आप लोग के हाथ में फोन है, आप ये वीडियो देख रहे हैं, तो आप ये वीडियो देखते देखते ऐसे लेटे लेटे फोन हाथ में लेके मेरे साथ साथ एक्सरसाइज बहुत आराम से कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं हमारी पहली एक्सरसाइज से। अगर आप अभी फोन आपके हाथ में है और आप बैठे हुए हैं तो आप इस तरीके से बैठ जाइए, ऐसे अपने दोनों पैरों को आपस में मिला लीजिए इस तरीके से, और अब अपना फोन देखिए और पैरों को इस तरह से आराम से हिलाते रहिए। यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आप फोन तो देख रहे हैं लेकिन आपके जो पैर है वो आपस में मिले होने चाहिए, और आपकी कमर मैक्सिमम आपको सीधी रखने की कोशिश करना है। जितना कमर को सीधा रखेंगे उतना अच्छे तरीके से आप इस एक्सरसाइज को कर पाएंगे। 10 काउंट्स तक इस एक्सरसाइज को करना है, और तब तक मैं अपने व्हाट्सएप के मैसेज चेक कर लेती हूँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6 7 नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहिए, 8, 9 एंड 10 ये एक्सरसाइज आपकी कमर को भी सीधा रखती है, आपके पेट के फैट को कम करती है और आपके थाइस के फैट को भी कम करती है। अब दूसरा एक्सरसाइज करने के लिए आराम से इस तरीके से लेट जाइए। इस तरीके से लेटने के बाद दोनों पैरों को इस तरह से ऊपर कर लीजिए, जितना आप आराम से ऊपर कर सकते हैं उतना ऊपर कर लीजिए। फोन लीजिए, फोन में चलिए अभी अपना इंस्टाग्राम अकाउंट चेक कर लेते हैं, और इंस्टाग्राम चेक करते करते पैरों को हल्का सा इस तरह से खोलेंगे और बंद करेंगे। जितना आराम से आप खोल सकते हैं उतना खोलिए और बंद कीजिए, नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहिए। सो लेट्स स्टार्ट फॉर नेक्स्ट 10 काउंट्स। 1, 2, 3, 4, 5, 6 7, 8, 9 एंड 10 10 काउंट में ही आप फील करेंगे कि आपके जो थाइस की मसल्स है वो इसमें एंगेज होती हैं, साथ ही साथ आपका पेट का मोटापा भी काफी हद तक रिड्यूस होता है। थर्ड एक्सरसाइज करने के लिए अपने दोनों पैरों के बीच में इस तरीके से गैप देंगे, धीरे से अपनी कमर को ऊपर उठाएंगे इस तरीके से और वापस रखेंगे। इसमें आपको ब्रीदिंग का ध्यान रखना है, जब ऊपर जाएंगे तो पूरा सांस अंदर और नीचे आएंगे तो पूरा सांस बाहर। तो चलिए अगले 10 काउंट तक हमें इसको करना है, तब तक मेरा थोड़ा सा और काम बचा हुआ है फोन पे, वो भी कंप्लीट कर लेती हूँ। सो लेट स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10 आपकी कमर बिल्कुल रिलैक्स हो गई होगी, आपका पेट एकदम रिलैक्स हो जाता है, पेट की मसल्स एकदम टाइट हो जाती हैं, और ये एक्सरसाइज आपके पॉस्चर को सही करती है, थाई फैट को रिड्यूस करती है, पेट के मोटापे को कम करती है, और आपकी कमर के साइड के फैट को रिड्यूस करने के लिए भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। तो ये 3 एक्सरसाइज आपको करनी है, और जो भाई नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसको करने के लिए अपने दोनों पैरों को इस तरह से आपस में मिला देंगे, ऐसे दोनों तलवों को इस तरह से मिला देंगे इस तरीके से आराम से। चलिए अपना फोन लेके अपना काम स्टार्ट करते हैं, साथ में एक्सरसाइज भी स्टार्ट करते हैं। 1, ओपन 2, ओपन ठीक है, नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहना है इसमें आपको। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर नेक्स्ट 10 टाइम्स। 1, 2 नीचे पैरों को मिला के रखेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9
एंड 10। वेरी गुड। आप देखोगे कि आपकी जो पेट की मसल्स है पूरी अंदर की तरफ श्रिंक होती है, पूरा पेट अंदर की तरफ जाता है और साथ में थाइस की भी बहुत अच्छी स्ट्रेचिंग होती है, जिससे कि आपके इनर थाई का फैट भी कम होता है और आपका पेट का फैट भी कम होता है। आप करेंगे हमारी लास्ट एक्सरसाइज, थोड़ी सी आपको इंटेंस लग सकती है लेकिन आपके पेट के मोटापे को कम करने के लिए, पेट पे जितनी भी आपकी एक्स्ट्रा चर्बी है नाभि के ऊपर नाभि के नीचे, इस सबको कम करने के लिए बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। आराम से इस तरह से लेट जाइए, पैरों को थोड़ा सा इस तरह से ऊपर उठाएंगे और यहीं पे आपको अगले 10 काउंट तक होल्ड करना है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 नॉर्मल ब्रीदिंग करते रहिए, 8, 9 एंड 10 स्लोली कीप डाउन योर लेग्स एंड रिलैक्स। तो आपने देखा कि किस तरीके से आप आराम से फोन पे अपना काम करते करते, फोन चलाते चलाते भी ये एक्सरसाइजेस कर सकते हैं। कोई भी इसमें मुश्किल आपको नहीं आएगी, किसी एक्सरसाइज में आपको कोई भी मुश्किल लगी हो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। लेकिन ये एक्सरसाइजेस आपके उस दिन के एक्सक्यूज के लिए हैं जिस दिन आप एक्सरसाइज से आपके पास टाइम नहीं है। अगर आपको टाइम मिलता है तो और एक्सरसाइजेस को भी अपने डेली रूटीन में शामिल जरूर कीजिए। आई होप कि आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेशन जरूर पसंद आई होगी। इस तरीके का और कंटेंट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, फिट रहिए। थैंक यू।